भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1931 में 23 मार्च के दिन फांसी का फंदा चुनकर अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे। देश के बहादुर क्रांतिकारी और महान सपूतों के दिए गए बलिदान की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस श्रृंखला में शहर में न्यू इरा मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से रानी दुर्गावती चौक में भगवा रैली निकाली गई। इस अवसर पर बात करते हुए समाज सेवी रविंद्र सिंह भामरा ने कहा कि क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए एक अहम योगदान दिया, उनके योगदान को हमेशा ही याद करना चाहिए। वहीं आगे बात करते हुए वे बोले कि शहीद दिवस के अवसर पर विविध सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। चौबीस साल की उम्र में जिस पुरुष ने अपने देश के लिए अपना जान की बलिदान दी हो, उसके लिए आज मैं और ये पूरे युवाओं के साथ में उस नौजवान की बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भगत सिंह एक समुदाय का या एक किसी धर्म के लिए उसने कुर्बानी नहीं दी थी, पूरे देश के लिए कुर्बानी दी थी। तो मैं आज का ये सभी से विनती करता हूँ कि आज सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए और कार्यक्रम को और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। आज हमने ये रानी दुर्गावती चौक से भगत सिंह जी की याद में एक रैली निकाली है, उसके उपरांत उनको उनके शहादत के लिए एक हमारा व्हाइट हॉल कामली रोड पर सबने मिलकर के एक सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किया है।